गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं लेसन नंबर 15। तो हमने पिछले वाले अध्याय में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कुदरती खाद के बारे में। खाद हम फसल के भीतर क्यों डालते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, यह सब आपको मैंने बताया। ठीक है, तो हम खाद डालने का एक ही उद्देश्य है, चाहे उर्वरक डालो चाहे खाद डालो, मतलब कुदरती खाद डालो या कृत्रिम खाद डालो, उसके डालने का एक ही उद्देश्य है कि फसल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिले और फसल की वृद्धि जल्दी से जल्दी हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो। ठीक है, तो जिस तरह से हमने कुदरती खाद पढ़ा, अभी मैं बता रही हूँ कृत्रिम खाद या उर्वरक। कृत्रिम खाद नाम से ही जाहिर होता है, जो आर्टिफिशियल रूप से हम लोग बनाते हैं, कुदरती रीत से नहीं बनती है। हम बनाते तो दोनों केस में हम हैं, पर उसमें किसका इस्तेमाल होता है? कुदरती वस्तुओं का। पर यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? रासायनिक चीज़ों का, केमिकल्स का उपयोग होता है और यह उद्योगों में बनाया जाता है, व्यावसायिक रूप से बनाया जाता है। इसका समझने के लिए एक उदाहरण दें, जैसे आपकी मम्मी घर पे ही कोई चीज़ बनाती है, ठीक है, तो वो कहलाता है कुदरती, खुद ही बनाया, भले कुदरती चीज़ों का उपयोग किया है। लेकिन अगर आप पैकेट फूड के रूप में आप कुरकुरे खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम। क्यों? क्योंकि वो केमिकल्स के द्वारा फैक्ट्री में बना हुआ व्यावसायिक रूप से है। तो यहाँ पर भी जो उर्वरक है वो व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया है और रासायनिक चीज़ों का उपयोग करके बनाते हैं। और आपने नाम सुना है जैसे यूरिया, अमोनिया, अमोनियम फॉस्फेट, ये सब नाम आपने सुन रखे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ उर्वरक के बारे में। तो व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है, ये है क्या? व्यावसायिक रूप से बनी हुई खाद वो क्या देती है? ये पादप यानी वनस्पतियों को क्या देती है? पोषक तत्व देती है। ठीक है, और उर्वरक डालने से फायदा क्या हो रहा है? उर्वरक डालने से फसल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं, फसल अच्छी होती है, उत्पादन अधिक होता है और इसके साथ साथ आप पर उत्पादन अधिक हो रहा है, फसल अच्छी हो रही है, कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। लेकिन नुकसान पता है क्या है? इसका एक नुकसान है कि ये आर्थिक दृष्टि से महंगा है। आर्थिक दृष्टि से क्या है बच्चों? महंगा है। और पर उर्वरक में खाद की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व है, इसमें खाद की अपेक्षा पोषक तत्व अधिक है, इसके लिए इसका उपयोग कम किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते हैं। देखो, जैसे आपको मैं उदाहरण बताऊँ, जैसे आप सब रोज सुबह उठ के क्या पीते हो? चाय पीते हो। लेकिन अगर आपने चाय अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी ब्रांड की है, तो कम मात्रा ही डालोगे तो जल्दी से कड़क हो जाएगी और टेस्ट भी अधिक आएगी। पर इसकी जगह जैसी तैसी वाली खाद, सॉरी जैसी तैसी वाली चाय पत्ती डालोगे तो उसमें चाय पत्ती की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर आप उर्वरक का उपयोग कर रहे हो तो आपको उसमें कम मात्रा में डालना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास दो खेत हैं, ये खेत है, ये दूसरा खेत है। इस खेत में मैं सिर्फ कुदरती खाद डाल रही हूँ और इस खेत में मैं कौन सी खाद डाल रही हूँ? उर्वरक डाल रही हूँ। दोनों में वृद्धि तेजी से किसमें होगी? ये वाले में, उर्वरक वाले में। कम से कम वृद्धि इसमें होगी, इसमें पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे, इसमें पोषक तत्व कम मिलेंगे। लेकिन यह आर्थिक दृष्टि से सस्ता है, कौन सा? कुदरती वाला। और यह आर्थिक दृष्टि से महंगा है। तो इस तरह से हो गया अपन का खाद के बारे में, उर्वरक और खाद के बीच में क्या अंतर है ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद है और क्या फ़ायदा है उर्वरक क्या करते हैं पता है? जैसे ही हमने उर्वरक को मिलाया, पानी डाला, तो पानी जल्दी से जल्दी इस उर्वरक का क्या कर लेते हैं बच्चों? इस उर्वरक का शोषण कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी इसका शोषण कर लेते हैं। तो उर्वरक जल में ज़्यादा घुलनशील होते हैं,
जल्दी से जल्दी पानी के साथ शोषित होकर जमीन के साथ मिल जाते हैं और जमीन को क्या देते हैं, पोषक तत्व, सॉरी फसल को पोषक तत्व देते हैं। और इसके अलावा ये आसानी से अवशोषित होते हैं और इसके अलावा इसका भंडारण और परिवहन आसान है। आप कहोगे भंडारण का मतलब इसका कि हम इसको कहीं पे भी स्टोर करना है, स्टोरेज में करना है, बड़े बड़े भंडार ग्रह में रखना है, तो इसको हम आसानी से रख सकते हैं और लंबे समय तक ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। और इसका परिवहन आसान है, परिवहन आसान है का मतलब एक स्थान से हम उसको दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन हम वो चीज़ को इस्तेमाल करना बंद तो नहीं कर देंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सावधानियाँ करते हैं। कौन सी सावधानियाँ करनी चाहिए, एक ये उचित मात्रा में डालना, जो भी हम उर्वरक डाल रहे हैं उसको उचित मात्रा में डालने का है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालने का है, उचित मात्रा में, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा बाद में सावधानियाँ रखनी पड़ती है। एक तो उचित समय पर डालना है, उचित प्रमाण में डालना है, ज़्यादा प्रमाण में नहीं डालना है, और देने से पहले मतलब खाद डालने से पहले और खाद डालने के बाद हमें सावधानियाँ रखनी है। ठीक है, और इससे हानियाँ क्या हो रही है, इससे क्या हानियाँ हो रही है, इससे यह हानि हो रही है कि यह एक तो आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगा है, दूसरा अरे बेटा इधर आवाज़ नहीं दिखाई दे रही, मैं वीडियो चालू करी दो मिनट, तो आर्थिक दृष्टि से महंगा है, कौन महंगा है, उर्वरक, और दूसरा ये जल का प्रदूषण कर लेता है, जल को ख़राब कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मात्रा में डालिया अगर मतलब पानी का प्रदूषण होता है, और उसके अलावा मिट्टी का भी, मिट्टी में से जो उर्वरकता है ना, धीरे 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 एक ही ज़मीन पे हमने बार 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 खाली उर्वरक डालते गए तो धीरे 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 उसमें से पोषक तत्व कम हो जाते हैं, तो वो उपजाऊ नहीं रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब समझा दिया, बच्चों किसके बारे में, मैंने आपको बता दिया उर्वरक के बारे में। अब दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, या उसको कहते हैं कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती का मतलब क्या है, कार्बनिक खेती का मतलब ऐसी खेती जिसमें किसी भी तरह से रासायनिक चीज़ों का, केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया हो, न जंतुनाशक के रूप में, न शाकनाशक के रूप में, न खाद के रूप में, किसी भी रूप में हमने रासायनिक चीज़ों का उपयोग कम से कम उपयोग करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग देसी चीज़ों का, देसी मतलब वो फार्मिंग कैसे की जाती है, फल के द्वारा या सॉरी जो पहले के तरह करते थे, मतलब किसी भी तरह से केमिकल्स का उपयोग नहीं करने का है, जो आप अपने घर पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं, खाद के रूप में कुदरती खाद का उपयोग, कुदरती खाद के रूप में गोबर की खाद का उपयोग, या तो फिर आपने कभी सुना है जो नील हरित शैवाल है उसका उपयोग किया जाता है, नील हरित शैवाल का उपयोग करके क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है, और कीटनाशक के रूप में नीम की पत्ती का उपयोग, और भंडारण में भी नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हमने फसल के सुधार में अच्छा हो तो हमने उसके अंदर पोषक तत्व के रूप में क्या डाला, खाद डाला, तो उसमें मैंने खाद के भी दो प्रकार बता दिए, एक कृत्रिम खाद और एक कुदरती खाद, ये दोनों के बारे में बता दिया, कार्बनिक खाद ये भी बता दिया। तो आपको मैंने, आपको अगर देखना हो कि आज मैंने जो पढ़ाया वो है पेज नंबर 232 उर्वरक, और इसके बाद कार्बनिक खेती, ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। तो कल बच्चों हम पढ़ेंगे सिंचाई, हम एक एक टॉपिक को ले रहे हैं, ध्यान से ले रहे हैं, ताकि आप पहले थोड़ा पढ़ो लेकिन शांति से पढ़ो, शांति से समझो, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बैठी हूँ,
ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना, और इन दिनों थोड़ी ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो अपनी भी सुरक्षा करना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।